हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ लंच के लिए राजमा और चावल। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा है राजमा, इसे मैंने रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखा था और अभी 6 से 7 सीटी प्रेशर कुकर में लेकर इसे पका लिया है। ये 2 कटोरी चावल मैंने इसे 30 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। तो शुरू करते हैं हम राजमा चावल बनाना। गरम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर 1 पिंच हींग डालेंगे और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम जीरा डालेंगे और प्याज डाल लेते हैं। एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। प्याज को हम 2 फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज भून रहा है जब तक टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सभी का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ये हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार है। प्याज को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर, अगर आप स्पाइसी थोड़ा खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, अगर कम मिर्च खाना चाहते हैं तो कम डालें। मैंने यहाँ पर इस छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही ये जो हमारा टमाटर वाला पेस्ट है इसे डाल लेते हैं। मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और ये पानी कढ़ाई में डाल लेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी। ग्रेवी में इस तरह से उबाल आ गई है तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ग्रेवी को ढक कर पकने देंगे। ग्रेवी को हमें तेल छूटने तक पकाना है और बीच बीच में हम इसे 3 से 4 बार चलाएंगे। ग्रेवी हमारी पक रही है जब तक चावल बना लेते हैं। तो मैंने चावल बनाने के लिए एक इस तरह के बड़े बर्तन में 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसे मैं ढक देती हूँ ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुकी है तो अब मैं इसके अंदर चावल डाल लेती हूँ। साथ में ही डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम रखूंगी और हम इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में ध्यान रखें कि इसमें उबाल आने पर पानी बहकर बाहर ना आ जाए। अगर उबाल आती है तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे थोड़ा सा खोल देंगे। ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। अब इसे चला लेते हैं और फिर से ढक देते हैं और पकने देते हैं। चावल में भी उबाल आ गई है। याद रखिए, चावल को बिल्कुल हल्के से चलाना है। जब ये पकने लगते हैं और हम इसे बार बार अगर चलाते हैं तो चावल टूट जाते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेती हूँ और इन्हें ढककर पकने देती हूँ। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं मसालों ने सारा तेल छोड़ दिया है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच एवरेस्ट का राजमा मसाला डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। राजमा मसाला मैंने इस चम्मच से नाप कर डाला है। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। ग्रेवी को हल्का सा गाढ़ा बनाने के लिए मैं इसमें 1 उबला हुआ आलू डालूंगी और आलू को हम यहीं पर मैश कर लेंगे इस तरह से। इसके अंदर मैं लगभग 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर आलू डाले हैं। अगर आप आलू डालना नहीं चाहते हैं तो ना डालें। सबका बनाने का अपना अपना अलग तरीका होता है। साथ में ही राजमा डाल लेते हैं। राजमा में जो उबालते समय पानी था वो उसका कलर काफ़ी लाल हो गया था तो मैंने उसे निकाल दिया है। अब हम इसे ढक देते हैं और उबाल आने देते हैं। चावल को एक बार चेक कर लेते हैं। चावल अभी थोड़ा सा कच्चा है।
इसे ढककर अभी हम और पकने देते हैं। चावल पक गए हैं तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। एक खाली बर्तन पर मैंने एक छन्नी इस तरह से रख ली है और चावल का पानी सारा निकाल देते हैं इस तरह से। चावल के ऊपर से हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं, सॉरी तेल नहीं घी डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं। राजमा यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक उबाल लिया है तो ये गैस का फ्लेम भी हम ऑफ कर देते हैं। आज सुबह नाश्ता में मैंने मोमोज बनाए थे, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना रह गई है। यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है, मैं पापड़ तल रही हूँ। ये मूंग का पापड़ है, ये पापड़ चना दाल का है। डेली रूटीन में मैं जो भी तलने का काम होता है इस तरह की लोहे की कढ़ाई में ही करती हूँ। राजमा के ऊपर से हरा धनिया डाल लेते हैं। राजमा और चावल बन रहे थे जब तक मैंने चुकंदर और ककड़ी भी काट कर तैयार कर लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लंच में राजमा और चावल बनाए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलिए लंच करना शुरू करते हैं। अभी शाम की 4 बज रही है, बड़ों के लिए चाय बनी है और बच्चों के लिए मैगी। अभी शाम की 7 बज रही है और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंगफली के दाने की सब्ज़ी और गुड़ वाला मीठा पराठा। मूंगफली का दाना गरम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक सेक लेंगे। मूंगफली के दाने 250 ग्राम हैं। गुड़ को इस तरह से एक खाली बर्तन में डाल लेंगे और इसमें हम 1 से 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे। ये लगभग 200 ग्राम गुड़ है और इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। मूंगफली के दाने सिक गए हैं तो मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। दाने ठंडे होने पर हम इनका छिलका निकाल कर अलग कर देंगे। मूंगफली के दाने का पाउडर बना लेंगे मिक्सर में। ये मूंगफली दाने का पाउडर आप देख सकते हैं इस तरह से है। गरम कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल में थोड़ा कम ही डालती हूँ। 3 हरी मिर्च इसे मैंने बारीक काट लिया है, 3 है लहसुन की कलियाँ इन्हें भी बारीक काट लिया है और ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तेल गरम होने पर 1 पिंच हींग डालेंगे, साथ में ही 1/4 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और साथ में हरी मिर्च और अदरक लहसुन डाल लेंगे। गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखेंगे। वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को हम लो फ्लेम पर 15 सेकंड तक भूनेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं तो अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं। पानी मैं यहाँ पर 1.5 ग्लास डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। पानी में उबाल आने पर मूंगफली दाने का पाउडर डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सब्जी में उबाल आ चुकी है तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपको सब्जी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगती हो तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। वैसे ये सब्जी अभी उबलने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। सब्जी को हम ढकेंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें उफान आ जाता है, इसे लो फ्लेम पर इसी तरह खुला पकाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। अभी मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं
और अब हम ये जो गुड़ को हमने यहाँ पर पानी में भिगो कर रखा है इसे देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह से मसल लेंगे ताकि पानी के अंदर अच्छे से गुड़ घुल जाए। इस गुड़ वाले पानी को हमें गर्म बिल्कुल नहीं करना है। गुड़ को अगर जल्दबाजी में घोलने के लिए हम गर्म पानी या गुनगुने पानी में गला देते हैं तो उसके पराठे कड़क बनते हैं, तो इसे ठंडे पानी में ही घोलें। गुड़ का पानी तैयार है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, तो हम इस तरह से छन्नी लगाएंगे और इसमें ये गुड़ वाला पानी डाल लेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी बना लिया है तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। यहाँ पर मैंने इतना पानी अभी बचा लिया है। गुड़ को छानना ज़रूरी होता है। इसका हम एक डो तैयार कर लेते हैं। आटा हमें यहाँ बहुत ज़्यादा कड़क नहीं लगाना है। रोटी के आटे जैसा डो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए अगर रख देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो इसे हल्का थोड़ा नरम ही रखना है। बचा हुआ पानी भी मैं डाल लेती हूँ। आटा हमें 5-10 मिनट ढककर बिल्कुल नहीं रखना है। हम इसके सीधे पराठे बनाना शुरू करते हैं और इस आटे के अंदर हमने नमक नहीं डाला है। सब्जी को उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। आप सब्जी को देख लीजिए, ये इतनी गाढ़ी है। आधा नींबू का रस डाल लेते हैं। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। मीडियम साइज़ का लोया बना लेंगे और इसे हम सूखा आटा लगा लेते हैं और इस तरह से थोड़ा सा लंबा बेल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरह से, और ये वाला हिस्सा इस पे चिपका देंगे। इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और अब इसे बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। गरम तवा पर पराठा डालें, कुछ सेकेंड के बाद पलट देंगे इसे और इसके ऊपर से घी लगाएंगे। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं। पराठा फिर से पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी घी लगा लेते हैं। दोनों तरफ से हल्का गुलाबी होने तक पराठे को सेक लेंगे। ये पराठा सिक चुका है, तो इसे हम तवा से नीचे उतार लेते हैं। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी और लगाएंगे। सारे पराठे इसी तरह से बनाने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ रोज़ घर में रखी हुई चीज़ों से लंच और डिनर के नए नए आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो आप रोज़ वीडियो देखिए। कुछ सेकंड के बाद पलट लेते हैं, घी लगाते हैं ऊपर से। पराठे पहले से बनाकर नहीं रखिए, गरम गरम बनाइए और गरम गरम ही खाइए। सब्जी के ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें।
मैं आपके साथ रोज लंच और डिनर के नए नए आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। कल फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ में। तो जब तक घर का बना शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए।